हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आप इसके डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करेंगे तीन टॉपिक। एक है मूल्यों का पतन, जिस प्रकार से समाज में यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल है ना, वहीं उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल है ना, पुलिस सुधार संबंधित है। वही अपना थर्ड आर्टिकल जो होगा तो वह है स्वार्थ और पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ कि जैसे देखते हैं कि इस आर्टिकल में है कि थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को यहाँ पास बताया गया है कि जैसे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार बात की जाए तो जो सभी सामाजिक मूल्य हैं वो अंतर क्रियाएँ, संस्थाएँ और राज्य की संरचना जो हैं वो सभी तत्कालीन उत्पादन व्यवस्था से ही निर्धारित होती हैं, है ना। ऐसे कि देखते हैं कि कृषि समाज में जो संयुक्त परिवार की संस्था है, सामंतवाद में जो सामाजिक स्तरीकरण है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उसमें जो राज्य शक्ति में विस्तार है, और वहीं संयुक्त परिवारों को जो टूटना है, तो ये इसी सिद्धांत की एक प्रकार से पुष्टि करते हैं, है ना, ये जो क्रियाएँ चल रही हैं। वहीं नव औद्योगिक जो है तो पश्चिमी विश्व के साथ जो है तो भारत भी एक प्रकार से कदम ताल कर रहा है, उसी का एक प्रकार से भारत भी जो है तो उसी के उस पर समानांतर ही चल रहा है ना, कदम से कदम मिला करके। अब देखते हैं कि जैसे हम हाल के कुछ घटनाओं की बात की जाए तो इसमें जैसे कि बात करें तो जो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पास जैसे कि 24 घंटे जो पालने वाली जैसे कुछ कंपनियाँ हैं वो दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में तेज़ी से बढ़ रही हैं, है ना, बच्चों को। इसके दो कारण यहाँ पास बताए गए हैं इस आर्टिकल में। पहला कारण ये है कि विदेशी ग्राहक जो हैं तो कंपनियों का काम जो जब शुरू होता है तब भारत में रात होती है ना, तो इसके पीछे तो रीज़न एक ये हो सकता है कि अपना ये जैसे कि लोग देखते हैं कि टाइम जोन वाला इशू होता है ना, तो एक तो इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है। वहीं दूसरा कारण ये भी बताया गया कि भारत में जो काम करने वाली जो बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनियाँ हैं वो अपने मानव संसाधन नीति में बदलाव करके रात में भी एक प्रकार से जो पुरुष महिला कर्मी हैं उनके अनुपात को 17:30 के रेशियो में लाना चाहती हैं, है ना, जबकि पहले रात में तो मतलब कि केवल पुरुषों को ही अलाउ होता था रात में काम करते थे रात शिफ्ट में, तो इसमें से तो महिलाओं का भी रेशियो बढ़ा रहा है वर्क उसमें ना 70:30 के अनुपात में। तो ये दो मतलब कि इसमें देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस परिवर्तन से क्या चेंजेस आ सकते हैं, है ना। तो अगर जैसे कि पति पत्नी जैसे कोई जॉब में ये हैं तो जो बच्चा है तो उसके लिए तो फिर 24 घंटे एक शिशु केयर सेंटर की ज़रूरत होगी, है ना। तो ये जो कंपनियां हैं तो ये इन चीज़ों को अवेलेबल करा रही हैं ना। तो अब यहाँ पास देखते हैं कि फिर मूल्य और नैतिकता जो है तो जिस प्रकार से देखते हैं, हम लोग ने एथिक्स में पढ़ा भी होगा ना, आप लोगों की जो वैल्यूज़ होते हैं अपने, तो वैल्यूज़ कब बनते हैं, है ना। पहली बात कि वैल्यूज़ क्या ये मूर्त होते हैं या अमूर्त होते हैं, तो हम एक पहली बात देखते हैं कि जो वैल्यू होते हैं यानी मूल्य जो होते हैं, तो मूल्य अपने जो होते हैं तो यदि इसके संदर्भ में देखते हैं तो मूल्य में क्या होता है कि ये अमूर्त होते हैं, क्योंकि ये दिखते नहीं हैं लेकिन ये हमें एक प्रकार से धीरे धीरे डेवलप होते हैं, है ना, ये कोई अनुवांशिक नहीं होते हैं, है ना, ये हमारे इसी समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है तो इसी के तहत जो है तो धीरे धीरे हमें विकसित होते जाते हैं। अब इसमें हम यदि इसमें भी देखें कि वैल्यूज़ में भी देखते हैं तो जब यहाँ पास बचपन से ही जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब इनके वैल्यूज़ की बात की जाए तो स्टार्टिंग की यदि बात की तो ये तो एक प्रकार से समाज से बिल्कुल ही कोई वास्ता इनका नहीं होता, एक प्रकार से इनको असोशल की संज्ञा दी जाती है, है ना, स्टार्टिंग में। तो ये जब यानी कि ये समाज से पूरी तरह से तटस्थ होते हैं, उसके बाद जब ये यानी कि बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से उनको एक प्रकार से यही से इनके एक सामाजिक बनने की प्रक्रिया चालू होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे समाज से जब जुड़ना पसंद करते एक प्रकार से तो उसे सोशल का सिस्टम कहा दिया जाता है, स्टेज होता है, है ना, यानी कि सामाजिक बनने की दौड़ शुरू हो जाती है। उसके बाद भी यदि देखते हैं कि इसी प्रोसेस के दौरान कई फेज से गुजरते हैं। अब यहाँ पास देखते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो यदि हम पहली बात देखते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं हमें, है ना, तो इन वैल्यूज़ में यदि देखें तो हमारी जो फैमिली होती है तो वैल्यूज़ में बहुत बड़ी भूमिका होती है फैमिलीज़ की, है ना, ये आप लोगों को पता ही होगा। ये हमारे UPSC के मेंस का क्वेश्चन भी था 2017 में, इस 17 के आसपास था, तो कि जो हमारे मूल्य हैं यानी कि परिवार हमारे वैल्यूज़ को के लिए किस प्रकार से योगदान देता है
है ना, परिवार के जो मूल्य हमारे उसमें किस किस प्रकार से, मतलब कि परिवार की क्या भूमिका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पास देखें तो यदि बचपन से ये बच्चा यदि मतलब कि किसी सेंटर पे रहेगा, केयर सेंटर में रह रहा है, तो फिर तो मतलब कि उसको कोई परिवार का जो परिवार के द्वारा जो मूल्य सिखाए जाएंगे है ना, तो उस तरह तो एक प्रकार से उन चीज़ों से तो बिल्कुल ही वंचित हो जाएगा है ना। अभी हम देखें कि जो हमें फैमिलीज जो होती है, ये परिवार होता है, तो उसमें से हमें किस प्रकार के मूल्य सीखने को मिलते हैं, तो पॉजिटिव या निगेटिव तो मूल्य हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है ना कि वो किस प्रकार से मतलब क्या उनका लेवल है। लेकिन मोस्टली जो होता है तो हमें जो मतलब कि सिखाए जाते हैं, यदि फैमिली की बात की जाए तो वो हमें सिखाते हैं कैसे मूल्य, फाउंडेशनल वैल्यूज सिखाए जाते हैं, ठीक है। फाउंडेशनल वैल्यूज यानी कि आधारभूत मूल्य को बोला जाता है। अब आधारभूत मूल्य के तहत यदि बात की जाए तो यदि हम वेंकैया नायडू जी के यदि लैंग्वेज में बात करें तो जो केयर एंड शेयर है ना वो बोला करते हैं प्रायः, तो केयर एंड शेयर की जो हमें ये भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो रीति है, ये कैसे आई, केयर एंड शेयर ऐसी नहीं बल्कि ये तो ये पहले से हमारे भारतीय संस्कृति की तो ये मतलब कि एक रही है, और साथ ही साथ ये चीज़ें जो होती थी हमें बचपन से ही मिलती हैं है ना, ये हमें हमारे परिवारों से ही मिलती है, हमें बचपन से ये अनुशासन, ये शेयर करने की जो आदत है, ये सेंसिटिविटी है, ये सेम्पथी है, एम्पथी है, इस तरह की जो भावनाएं हैं, हमें संस्कार हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, ये चीज़ें हमारी इसी प्रोसेस में डेवलप होते हैं, और ये हमें सब जो होती है फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो हमें मिलती हैं, तो ये हमारे यही परिवारों से ही मिलती हैं है ना। और साथ ही साथ इवन ये तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हो गई, अगर हम थोड़ा सा हम निगेटिव वैल्यू की बात करते हैं तो परिवार से ही हमें जो यदि हम बात करें फ्यूडलिज्म जैसे सिस्टम है, सामंतवादी सोच हमारी है ना, लिंग भेद की सोच हमारी है, जातिवाद की सोच हमारी है, संप्रदायवाद की सोच हमारी है, तो इस प्रकार के भी ये जो निगेटिव इनको वैल्यूज़ बोला जाता है, तो ये भी हमें हमारे परिवार से ही मिलती है ना। ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ परिवार हमें जो है तो एक तरह से पॉजिटिव वैल्यू, सकारात्मक मूल्य ही सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पास हम थोड़ा इथिक्स की इसलिए बात यहाँ पास कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये यहाँ पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी होगी, आप लोगों ने हालांकि पढ़ा भी होगा इथिक्स में है ना। तो देखते हैं कि यदि हम इसके बारे में यानी कि और यदि आप ये बैकग्राउंड जान लेंगे तो इस आर्टिकल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे है ना, इसलिए हम इसको मतलब कि बताया। तो अब जैसे देखते हैं कि यदि ये चीज़ें तो हमें परिवार देता है, अब साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं परिवार तो ठीक है, अब परिवार में भी यदि बात की जाए तो माता को तो वैसे ही पहला गुरु माना जाता है ना, जो माँ होती है तो उसको पहला गुरु माना जाता है। और साथ ही साथ यदि बात करते हैं कि जो बच्चे होते हैं तो शुरू के यदि 6 से 7 वर्ष की स्टार्टिंग की बात की जाए तो 6 से 7 साल के बीच जो है तो उनके जो वैल्यूज़ जो उनमें आते हैं, मतलब कि एडॉप्ट हो, मतलब को जितने भी सीखते हैं बहुत ही ज़्यादा उनकी मतलब को सीखने की जो क्षमता होती है बहुत तीव्र होती है इस स्टेज में है ना, 6 से 7 साल में एक बेस्ट स्टेज मानी जाती है ना। और सबसे ज़्यादातर मतलब कि यही जो है तो प्राथमिक स्कूल के तौर पे जो तो माँ ही होती है, उसके बाद ही परिवार के मूल्य हमें सीखने को मिलते हैं। अब देखते हैं यदि हम कि यही मूल्य जो है तो ये तो हमारे मतलब कि जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं ये हमें मिलते हैं कहाँ से, परिवार से मिलते हैं। अब यदि हम देखें कि इसमें से भी अब जैसे कि यहाँ पास हम इस पे आते हैं, आर्टिकल पे चलते हैं, तो जैसे कि इसमें जैसे 24 आवर की जो चाइल्ड केयर सेंटर में यहाँ पास जो है खोल दिए गए, अब यहाँ पास जैसे बात करें कि जैसे कि हमें देखते हैं कि जो व्यावसायिक क्रैश या ये नए शिशु सेंटर हैं, ये जो इसमें जो आया होती है यानी जो केयर करने वाली होती है, तो क्या वो इन इन वैल्यूज़ को सिखा सकती है उन बच्चों में, इस प्रकार के जो नैतिकताएं हैं, इस प्रकार के वैल्यूज़ है, क्या उनमें मतलब कि वो डेवलप कर सकती है क्या, उसको तो पहली बात उसको भी बारे में पता होना चाहिए, ठीक। वहीं जैसे कि बात करते हैं कि बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है उसके सम्यक विकास में दो संस्थाएँ तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पहली है माँ की गोद और दूसरा है स्कूल स्तर पर शिक्षक है ना। तो ये तो हम लोग मतलब की बात ही कर चुके हैं कि फाउंडेशनल वैल्यूज होती है, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें चलती हैं। तो अब यदि हम देखते हैं कि जैसे देखें कि आज ये दोनों चीज़ें विलुप्त हो रही हैं है ना, उनके स्थान पर ही तो ये शिशु मतलब कि केयर सेंटर और ज़्यादातर में तो एक प्रकार से कहते हैं कि जो खुल रहे हैं तो एक प्रकार से एक व्यवसायीकरण हो रहा है ना, वैल्यूज़ को की भी जगह एक प्रकार से मशीनीकरण के तरीके से हो रहा है, तो ये एक प्रकार से गायब हो रहा है, इनके स्थान पे आज मैम और सर ने ले लिया है यहाँ पर, मतलब इस आर्टिकल बताया गया कि बात करते हैं कि एक प्रकार से जो इसकी परिणति की बात की, जैसे कुछ समय पहले की एक उदाहरण भी यहाँ पर से बताया गया है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि इस उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे भारत की एक वृद्ध जो कि जर्मनी अपने बेटे के यहाँ कुछ दिन पहले मतलब कि कुछ दिन के लिए गए थे, तो
तो उनकी वहाँ पास मृत्यु हो गई थी, है ना। तो हम देखते कि कितना संवेदनहीनता का मतलब कि घटना इसको कहा जा सकता है। तो ये इन्हीं सब मतलब कि इन वाणिज्यीकरण या इसी प्रकार के जो मशीनीकरण जो वैल्यूज़ का हो रहा है, तो उन्हीं का ये परिणाम इसको माना जा सकता है, इस घटना को, है ना। तो अब देखते हैं कि जैसे वहाँ पास जो है, तो ये वहाँ पर जब वो गए तो उनको वहाँ पास मृत्यु हो गई, और जो उनका बेटा था तो वो विदेश दौरे पे था, ठीक है। जब पुलिस ने उसको फ़ोन लगाया उनके बेटे को, तो उसने वहाँ से रिस्पॉन्स दिया कि जो मतलब कि अंतिम संस्कार करने वाली जो कंपनी है उसको उसने भुगतान कर दिया है, यानी कि जो भी रीति रिवाज थे ना, जो भी मतलब कि सब चीज़, तो उसके स्थान पे कंपनी कंपनी को मतलब कि उसने ऑर्डर दे दिया है, तो ये हो गया। उसमें इनकी भी कोई इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, मतलब कि जब इनको बचपन से ये चीज़ें सिखाई ही ना गई होंगी तो ये क्या जाने उन चीज़ों को। इनको तो हर चीज़ एक प्रकार से मशीनीकरण सिस्टम से लग रहा है ना। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं इस उदाहरण के तौर पर, इसने मतलब कि बताया कि इसके लिए उसने कंपनी को भुगतान कर दिया है ऑलरेडी। और उससे भी आगे देखते हैं कि उसने बोला कि कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें, इतना ज़्यादा ज़रूरी है उनको, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ का लेवल है इनके, उसमें आप समझ सकते हैं ना। वहीं इससे की बात करते हैं कि भारत में रहने वाले जो है लोगों के लिए भी आज एक प्रकार से ये खबर जो है तो मतलब कि आश्चर्यजनक की बात है जैसे, लेकिन कुछ वर्ष बाद ये जो है तो एक प्रकार से आम सामाजिक प्रथा भी बन जाए, भरोसा नहीं इस चीज़ का। इसी प्रकार के सिस्टम रहे, इसी प्रकार की वैल्यूज़ ख़त्म होते रहे, है ना। इसी प्रकार के मशीनीकरण सिस्टम रहा, है ना, जहाँ पास एक प्रकार से बच्चों के माँ की गोद में खेलने के समय में उनको जो है तो व्यावसायिक जो उस पर मतलब कि मौका मिलेगा वहाँ पास रखा जाएगा, तो कहाँ से उनके में वैल्यूज़ डेवलप होंगी। और निश्चित तौर पर एक प्रकार से वो तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मशीन की तरह ही बिहेव करेंगे, उनमें कोई अफेक्शन वगैरह चीज़ें नहीं रह जाएंगी। तो निश्चित तौर पर कोई इसमें मतलब कि ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होगी, यदि इसी तरह चलता रहा तो निश्चित तौर पर जो तो भारत का जो कल्चर है तो उसमें भी उस प्रकार से और भी ज़्यादा बदल जाएगा। उसमें इस प्रकार से जो मूल्यहीन समाज का एक कारण है कि अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा दृष्टिगोचर उत्पादन यानी कि सेवा क्षेत्र का कृषि उद्योग के मुकाबले लगातार बढ़ना, और उत्पादन की जो क्रमिक व्यवस्था है असेंबली लाइन प्रोडक्शन की जगह एक प्रकार से समानांतर व्यवस्था भी, है ना। तो इनके लिए एक प्रकार से उत्तरदायी इनके कारक के तौर पर जान सकते हैं, है ना। वही देखते हैं कि जैसे इस पर हम उसमें मतलब कि देखें कि ये चीज़ें तो वैल्यूज़ के उस पर हो गई, है ना। तो इसको आप एथिक्स के उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है तो इसमें जो वर्तमान के प्रकार की जो अपनी सिस्टम मतलब कि चल रहा है वर्तमान में समाज के, जो ये मतलब कि इस तरह से मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो उस दृष्टिकोण से भी आप इसको पेपर फोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर, जो है कि ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें जैसे पुलिस सुधारों की बात की जाए, तो अभी पुलिस सुधारों की बात तो हालांकि बहुत वर्षों से कवायदे चलती रही, लेकिन कोई खास उसमें सुधार देख तो नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये अभी हम बात करिए तो हाल ही में जो तो CSDS और कॉमन काज की तरफ से जो जारी रिपोर्ट की गई थी कि स्टेटस ऑफ पॉलिसिंग इन इंडिया 2019, तो उस रिपोर्ट के अनुसार जो है तो लगभग जो पुलिसकर्मियों का एक प्रकार से जो वर्क आवर है वो भी बढ़ता जा रहा है ना। लगभग 14 घंटे तक वो मतलब कि ड्यूटी करते हैं, तो इस प्रकार की मतलब समस्याएं मिलती है। हालांकि इस रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले आर्टिकल में भी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड करके मतलब कि काफ़ी विस्तार से चर्चा भी किया था ना। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे इसमें इस रिपोर्ट में जो है तो 21 राज्यों को एक प्रकार से 12,000 पुलिस वाले उनके परिवार के लगभग 10,000 सदस्यों से मतलब कि एक फीडबैक लेकर के इसको तैयार किया गया था, इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है ना। इससे जो तो पुलिस विभाग के भीतर जैसे महिला और ट्रांसजेंडर को लेकर के जो पुलिस पुलिसकर्मियों के पूर्वाग्रह है ना, अपराध से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरत है, पूरे एक प्रकार से उनका जैसे पूरा माइंडसेट हर चीज़ें जानने के यहाँ पर से इसमें प्रयास किया गया है इस रिपोर्ट को तैयार करते समय, है ना। तो इससे बहुत सी मतलब की चीज़ें भी जानने को मिली, है ना, कि किस प्रकार से जो है तो मतलब कि चल रहा है उस पर। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग लगभग 46% जो पुलिस वालों ने मतलब कि ऐसा ये बताया कि जब इस प्रकार से उन्हें ज़रूरत होती है सरकारी वाहनों की, तब उन्हें वो उपलब्ध नहीं होते हैं, है ना। साथ ही साथ 41% ये भी मानते हैं कि वे अपराध स्थल पर इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी थी, है ना। मतलब ये समस्याओं के तौर पे भी इनको देख रहे हैं कि समस्याएं भी ये हैं रियल रियल तौर पर भी, है ना। वहीं CSDS की इस रिपोर्ट के अनुसार ये बात करें, देश में जो महिला पुलिसकर्मी हैं तो मात्र 7.28% है इसी रिपोर्ट के अनुसार, है ना। वहीं जबकि सरकार ने यह तय किया है कि हर राज्य में लगभग 33% पुलिसकर्मी मतलब महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए, लेकिन किसी भी राज्य में ताज्जुब तो यह है कि किसी भी राज्य में ये जो मतलब कि सरकार ने डिसाइड किया है क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं करती है। वहीं एक बात करते हैं कि जैसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक प्रकार सक्षम सक्षम पुलिस तंत्र का होना तो महत्वपूर्ण है ही, वहीं
बात करते हैं कि तभी कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति में ही देश का एक प्रकार से आर्थिक विकास हो पाता है। लेकिन भारतीय पुलिस की बात की जाए तो ये आज भी लगभग वो जो 1861 में बनी जो अंग्रेजी ब्रिटिश कालीन जो सिस्टम था उसी के अनुसार जो आज भी ये जो पुलिस अधिनियम उसी उस पर संचालित हो रहा है। तो पुलिस प्रशासन की बात करें तो उसका जो मूल काम है समाज में अपराध को रोकना और कानून व्यवस्था को कायम रखना है। लेकिन जो ब्रिटिश की काल की बात की जाए तो ब्रिटिश काल में 1861 का जो पुलिस एक्ट था उसका जो निर्माण था एक्चुअल में इस तौर पे हुआ था कि भारतीयों के दमन और शोषण के जो मूल उद्देश्य उसके हिसाब से है ना, उस हिसाब से तब ब्रिटिश काल में जो है तो पुलिस का अधिनियम ये 1861 के तहत गठित हुआ था। तो इसलिए जो एक प्रकार से उसका उद्देश्य ही पहले से था कि दमन और शोषण का उद्देश्य था, तो निश्चित तौर पर उसको कितना भी चेंजेस किया जाए वो तो ऑलरेडी मतलब वही एक्ट आप रन कर रहे हो, तो इस तो प्रकार से मूल भाव में तो चीज़ें हैं ही मिल ही जाएंगी ना। तो इसीलिए ये सब प्रकार दमन कार्य शोषण कार्य पुलिस अधिनियम की राह पर चलने वाले प्रकार पुलिस व्यवस्था से स्वच्छ छवि की उम्मीद कैसे की जा सकती है ना। सच यह है कि जैसे इसी कारण से जैसे समाज में पुलिस का मतलब कि जो कह सकते हैं कि चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से बदनाम हुआ है ना, उसका प्रति लोगों में एक प्रकार से कह सकते हैं कि असंतोष या नकारात्मकता की भावना भी देखने को मिलती रहती है ना। तो देखते हैं कि जैसे दुर्भाग्य की बात है कि अब एक प्रकार से अभी तक ब्रिटिश काल की जो पुलिस व्यवस्था है तो उसमें कोई अनुरूप सुधार नहीं देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से मांग की जा रही है। हाँ, ज़्यादातर राज्य तो इसमें कुछ मतलब कि फेरबदल करके जैसे पुराने भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 को ही उसको ही फॉलो कर रहे हैं। हालांकि अब मतलब कि इसमें रिफॉर्म की बातें तो हो रही हैं, लेकिन ये जो बात की जाए तो इसमें से मतलब कि किसी भी राज्यों ने भी इवन कोई 1861 को लेकर के जो इस एक्ट है तो इसमें कोई ज़्यादा इसको प्रतिस्पात इस कानून को प्रतिस्थापित कर नहीं मतलब करने का प्रयास किया है ना। तो जैसे कि भारतीय इसमें बात की जाए तो ये जो और समस्या के तौर पे देखते तो जो पुलिस बल जो है तो इसका एक प्रकार से कार्यबोझ भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वहीं हम एक अन्य रिपोर्ट की बात की जाए तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पुलिस बल जो है तो अपनी क्षमता का मात्र 45% ही जो है तो राष्ट्र को दे पा रहा है ना। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि और साथ ही देखते हैं कि जैसे बुनियादी ढांचे की कमी और भी समस्याओं के तौर पे देखें तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, वहीं जनशक्ति और कार्यात्मक स्वायत्तता का भी अभाव है। तो ये महत्वपूर्ण इसके कारण है जिसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है तो इतनी कम है, यानी कि हम लगभग 55% जो है तो एक प्रकार से इसका हम यूटिलाइजेशन अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं है ना। वहीं यदि हम कुछ कुछ एवरेज मतलब कि औसत की बात की जाए तो मानकों के अनुसार तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो बात करें तो हर मतलब कि प्रति लाख नागरिक पर लगभग 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन भारत की स्थिति देखें तो मात्र 144 पुलिसकर्मी हैं है ना। तो कह सकते हैं कि यानी कि पुलिस का एक लगभग एक चौथाई पद खाली है। तो ये भी जो है तो एक मतलब कि कह सकते हैं कि बड़ी समस्या के तौर पर इसको देख सकते हैं ना। वहीं जैसे कि हम गृह मंत्रालय के आंकड़े के हिसाब से बात करें तो देश में लगभग पुलिस के लगभग 5 लाख पद खाली पड़े हैं। वहीं देखते हैं कि पुलिस सेवा के जैसे अधिकारियों के लगभग 4883 पर भी जो प्रस्तावित पद हैं तो उसमें से भी अभी लगभग 900 से ज़्यादा पद खाली है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये भी एक मूल समस्या के तौर पर इसको देखा जा सकता है ना। इसीलिए जो है तो जब पद पोस्ट मतलब कि पद खाली हैं तो इसीलिए जो है तो कार्यबोझ भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो जो तो इनको मतलब कि इन पदों को भर करके कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है ना। अब देखते हैं कि जैसे देश भर में लगभग 24 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन देश का जैसे बात की जाए तो इनसे जो है तो कोई भी देखा जाए कि इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं मतलब कि लोग कर पा रहे हैं। जैसे बात की जाए कि लोग रिपोर्ट थाने में ही जाते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने, तो वो एक प्रकार से पुलिस थानों में ही जाने से मतलब कि हिचकिचाते हैं है ना, हेजिटेट होते हैं, और उन्हें जो है तो रिपोर्ट FIR दर्ज करने के लिए भी मतलब एक प्रकार से कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है, उनका इस प्रकार से रूड बिहेव होता है ना इस कारण भी। तो इस दिशा में यदि बात करें जैसे कि पुलिस जो है तो जनता का पुलिस को तो सहयोगी होना चाहिए, लेकिन सहयोगी ना होकर के एक प्रकार से वो जो है तो अपने दायित्वों को भुला देती है। और एक प्रकार से बात करते हैं कि भारतीय पुलिस पर इस प्रकार के आरोप भी लगते रहते हैं कि एक प्रकार से ये अनुत्तरदायी तरीके से कार्य करती है ना। और कई इस प्रकार की घटनाएं तो साबित भी हो चुकी हैं कि पुलिस या तो अपराध की ओर मतलब कि आंख मूंद लेती है या फिर लापरवाह या अरुचपूर्ण अपराध के खिलाफ उत्साहहीन तरीके से कार्य करती है। तो पुलिस द्वारा अपराध के संबंध में जैसे बात की जाए तो जैसे FIR दर्ज करने में एक प्रकार से हर प्रकार के बहाने भी बनाए जाते हैं, ये भी घटनाएं कई बार देखने को मिलती हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि एक औपनिवेशिक मानसिकता से रची बसी जैसे पुलिस व्यवस्था है तो उसमें किस प्रकार से नवीन लोकतांत्रिक और संवेदनशील गुण समाहित किए जाएँ है ना, ये आज भी एक प्रकार से हमारे लिए चुनौती का विषय है।
इस दिशा में यदि हम बात की जाए, हालांकि जैसे कि 2006 में पुलिस सुधारों पर प्रकाश सिंह के उसमें जो है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी, वहीं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की भी सिफारिशें इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, है ना, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड। तो यदि बात करते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि उसने जो तो पुलिस सुधार संबंधी जो गाइडलाइन जारी की थी, तो उसमें उसने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मतलब फोकस किया था। ऐसी बात करते हैं कि स्वायत्तता, जवाबदेही, लोकोन्मुख होने की, उसने इस पर विशेष तौर पे मतलब कि फोकस किया था, है ना। लेकिन राज्य सरकारों ने इसमें ज़्यादा मतलब कि कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो ये निश्चित तौर पे एक चिंताजनक ही है ना। वहीं बात करते हैं कि जैसे देश भर में पुलिस बल में एक प्रकार से पर्याप्त और अपेक्षित स्किल का भी अभाव देखने को मिलता है, साथ ही साथ इनमें ट्रेनिंग के भी बहुत ज़्यादा मतलब कि एक प्रकार से अपेक्षित जिस प्रकार से होना चाहिए, उस प्रकार से इनको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है ना। तो समय की ये भी मांग है कि जैसे पुलिस भर्ती प्रशिक्षण के लिए एक प्रकार से देशव्यापी एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है, और एक प्रकार से इसको हर अभियान और तकनीक को एक प्रकार से केंद्र में रख करके इसको चलाने की जरूरत है ना। तो इस प्रकार से बात करते हैं कि इनमें जो है तो हमें एक प्रकार से ईमानदारी जो है तो एक प्रकार से इन चीज़ों को भी समावेशन की ज़रूरत है ना। तो देखते हैं कि जैसे कि रिश्वत की घटना भी, भ्रष्टाचार जो है तो इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। तो ज़रूरत यह है कि जैसे कि बात करते हैं कि जो भर्ती व्यवस्था है तो उसमें भी जैसे कि पुलिसों की वगैरह भर्ती हो तो कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है ना। अब हालांकि जैसे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने पुलिस प्रशिक्षण में एक प्रकार से भावनात्मक पक्ष पर ज़्यादा फोकस करने की बात उन्होंने की है ना, जो कि अच्छा कदम हो सकते हैं। इस प्रकार के कुछ मतलब कि सुधार लाए जा सकते हैं, कुछ उनको मतलब कि कह सकते हैं कि नैतिकता से संबंधित कुछ मतलब कि प्रशिक्षण दिए जाएँ, कुछ उनको सिखाया जाए। इससे निश्चित तौर पर जो तो पुलिस और पब्लिक के बीच जो संवाद है ना, तो एक प्रकार से वो ज़्यादा मतलब कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और मतलब कि लोग भी एक प्रकार से बेहतर तरीके से अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को उनके सामने व्यक्त कर सकेंगे ना। तब तभी सही मायनों पे जो है तो पुलिस जो है तो जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है ना, जन सुरक्षा के लिए, तो उसका एक प्रकार से वो सार्थकता भी उसकी तभी सिद्ध हो पाएगी, है ना। अब यदि बात करते कि साथ ही उनके अनुसार एक प्रकार से सामान्य मनोविज्ञान और व्यावहारिक मनोविज्ञान को भी एक प्रकार से पुलिस प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग बनाए जाने चाहिए, है ना। तो ये मतलब कि इसके सजेशन तो मतलब कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा वो किया है, इन चीज़ों पे को यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ही मतलब इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ समितियों के बारे में बात करें, तो उन्होंने जो पुलिस सुधारों संबंधित जो सुझाव दिए थे, तो उनमें यदि देखा जाए तो इनमें से जब देखते हैं कि 1997 में जो अपने इंद्र कुमार गुजराल जी थे गृह मंत्री, तो उन्होंने जो है तो देश के लगभग सभी राज्यपालों के और मुख्यमंत्री के शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भी मतलब कि पत्र लिखकर पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की थी, है ना। तो इस पर हम देखते हैं 1998 में जो महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी GF रिवेरो, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का भी अन्य समिति का गठन किया गया था। साथ ही साथ और भी बात की जाए तो वही 2000 में गठित पन्ना भैया समिति ने भी केंद्र सरकार को सुधार संबंधित कुछ सिफारिशें सौंपी थी। वहीं देश में आपातकाल के समय जो है तो जो जांच के लिए गठित जो सहायक आयोग था, उसने भी जो है तो घटनाओं के पुनरावृत्ति से बचने के लिए पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की भी बात कही थी, है ना। ये रिफॉर्म के ही जो स्टेप थे। वही बात करते हैं कि राज्य स्तर पर गठित कई पुलिस आयोगों ने भी जो है तो पुलिस सुधार संबंधित कुछ मतलब कि पुलिस को जो बाहरी दबाव है उनसे बचाने की सिफारिशें की थी। तो इन समितियों ने जैसे कि राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने, है ना, और वहीं महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने, इनकी भी सिफारिशें की थी। ये भी मतलब कि समस्याएं हैं जो कि मतलब कि जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम बात करते हैं कि अपना ये मॉडल पुलिस एक्ट 2006, ये जो है तो इससे संबंधित बात करते हैं कि जो 16 सोराबजी समिति थी 2006 में, तो ये मॉडल पुलिस अधिनियम का प्रारूप इसने तैयार किया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने इस पर ज़्यादा मतलब कि ध्यान नहीं दिया था। वहीं बात करते हैं गृह मंत्रालय ने 2005 को मतलब विधि विशेषज्ञ 16 सोराबजी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, तो उसने भी 2006 को एक प्रकार से मॉडल पुलिस एक्ट का प्रारूप केंद्र सरकार को हालांकि दिया था। वहीं हम स्पेशल तौर पर इस पर बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख गाइडलाइंस आई थी, है ना, 2006 की बात की जाए उसमें, उसके संदर्भ में प्रकाश सिंह मामले में, तो इसमें से देखते हैं कि उन मतलब कि जो गाइडलाइन दी थी कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए ताकि पुलिस बिना दबाव के काम कर सके स्वतंत्र तरीके से। वहीं पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो कि पुलिस के खिलाफ आने वाली जो अन्य शिकायतें हैं उसकी जाँच कर सके। वहीं थाना प्रभारी से लेकर के पुलिस प्रमुख तक की जो एक स्थान पर एक प्रकार से कार्यविधि 2 वर्ष सुनिश्चित की जानी चाहिए, है ना, यानी कि उनको जो है तो उनकी जो पदावधि है वहाँ पास रहने की जो ड्यूरेशन है उसको फिक्स कर देना चाहिए ताकि उनको इस चीज़ से श्योर हो और वो एक प्रकार से निष्प्रभावी और स्वतंत्र ढंग से काम कर सके, है ना। वहीं
नए पुलिस अधिनियम भी लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, साथ ही अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिए अलग पुलिस की व्यवस्था करने की बात की थी। यानी कि दोनों को अलग अलग पुलिस बल की, अपराध की और कानून व्यवस्था और विवेचना की, है ना, अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था, इनके लिए अलग अलग पुलिस व्यवस्था की थी। तो ये जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी, तो इसमें कोई ज़्यादा खास सुधार, इसमें भी ज़्यादा पहल नहीं देखने को मिली। वहीं बात करते हैं कि जैसे भारत में पुलिस सुधार कानून एक लंबी बहस का भी हिस्सा रहा, जरूर रहे, लेकिन सुधार ज़्यादातर एक प्रकार से कागजों तक ही सीमित कर रह गए हैं, है ना। वहीं अब देखते हैं कि जैसे कि इसमें देखें कि जो पुलिस व्यवस्था है, तो उसको निष्पक्ष, कार्यकुशल और जैसे देखते हैं कि पारदर्शी, पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सका है ना, जिस प्रकार से अपेक्षा की जाती है। वहीं बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी पहले कार्यक्रम लेकर पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन को एक प्रकार से स्मार्ट पुलिस बनाने की बात तो की थी। तो इसमें जो बात की, इसमें जो है तो स्मार्ट पुलिस बनाने की कल्पना से जुड़ी बात की जाए, आदर्श वाक्य इसमें थे कि पुलिस संवेदनशील हो, आधुनिक और गतिशील हो, सतर्क और जिम्मेदार हो, भरोसेमंद और दायित्व का निर्वहन करने वाली हो, और तकनीक में दक्ष व प्रशिक्षित हो, ना। तो इस प्रकार की, मतलब कि यदि इस दिशा में कुछ कदम उठाया जाए, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें लाई जा सकती हैं। लेकिन एक बड़े पुलिस सुधार आयोग की, मतलब कि उसकी सुधार की ज़रूरत है ना। और साथ ही साथ यदि हम इसमें भी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के मामले में भी देख सकते हैं, जिस प्रकार से घटनाएं देखने को हमें मिली हैं, है ना, पुलिस और वकील का जो डिस्प्यूट देखने को मिला है, तो ये भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए भी जो है तो ये चीज़ें जिम्मेदार हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में, मतलब कि सरकार को कठोर कदम उठाने की भी ज़रूरत है। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है कि ये आर्टिकल है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इंसानी स्वार्थ की भेंट चढ़ता पर्यावरण। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे वर्तमान में देखें कि जिस प्रकार से उत्तर भारत की बात करते हैं, यहाँ पर गहरा, मतलब कि घना कोहरा, धुंध और पराली जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, मिल रही हैं, है ना। तो वहीं तो बात करते हैं कि ये समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि एक प्रकार से वैश्विक लेवल पर बात करते हैं। 2019 में एक प्रकार से ये जो है तो बड़े लेवल पे भी प्रभावित करने वाली घटनाएं, मतलब कि देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे कि वहाँ पास, मतलब कि आग लगने की कई घटनाएं, उनसे उपजे जो धुआं है, उसके बादलों की जड़ में एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो कृषि का भी जुड़ाव रहा है ना। अब पराली से भी जोड़ सकते हैं, साथ ही साथ इन ये चीज़ें भी यदि हम इसके बैकग्राउंड में देखें। अब देखते हैं जैसे कि साल भर, जैसे दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया, तो हम इसके संदर्भ में देखें तो यहाँ जो है तो, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी, मतलब कि बड़े लेवल पे आग लगने की भी घटनाएं देखने को मिली हैं। तो उनसे भी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है तो अंतरिक्ष में धुआं भी, मतलब कि हुआ था, उसको हम सैटेलाइट के जरिए भी देखा गया था, है ना, देखा जा सकता है। तो इस साल यदि बात करते हैं कि शुरुआत में जैसे आर्कटिक क्षेत्र का ग्रीनलैंड, साइबेरिया, अलास्का में भी जो है तो कई, मतलब आग लगने की घटनाएं देखी गई हैं। तो ये तो प्राकृतिक वजहों से हुई हैं, लेकिन कई बार जंगलों में जो है तो, मतलब कि पेड़ों को साफ करके कृषि योग्य जमीन को एक प्रकार से रिहायशी इलाके रूप बनाने के लिए जो है तो इस उद्देश्य से भी जो है तो जंगलों में आग लगा दी जाती है ना। तो साथ ही जैसे खेती करने के लिए एक प्रकार से जो खरपतवार को जलाने संबंधित, इससे भी ये तो ये चीज़ इस वजह से ही, मतलब कि, मतलब आग लगा दी जाती है। तो यदि बात करते हैं कि जैसे ये तो, मतलब कि एक प्रकार से प्रक्रिया कई सदियों से दुनिया भर में जो है तो किसानों द्वारा ऐसा किया भी जाता रहा है। तो यदि हम बात करते हैं कि अतीत में जब आबादी कम थी, तब ज़मीन की तो एक प्रकार से उपलब्धता आसान ही थी और प्रदूषण भी कम था, है ना। तो इसलिए जो तो कृषि तकनीक से समस्याएं ज़्यादा नहीं हो रही थी। लेकिन आज जो है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो स्थिति है तो बिल्कुल उल्टी हो गई है ना। आज जो है तो ज़मीन कम हो गई है और आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, साथ ही साथ जो है तो कृषि जो है तो औद्योगिकृत हो गई है ना। तब ये जो प्रकार से जो पुरानी प्रक्रिया तो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी इसी तरह से चलते रहे तो। लेकिन दुखद रूप से यदि बात की जाए, तो इंसानी स्वास्थ्य और पर्यावरण की फिक्र किए बगैर यदि किसान अब भी पराली और जंगल जला रहे हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से परिस्थितियों और समय बदल गए हैं, फिर भी हम यदि पारंपरिक ढंग से ही चलते रहें, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब कष्टकारी है ना। तो यदि हम देखते हैं कि इसी का ये परिणाम भी है कि आज लगभग देखते हैं कि एक प्रकार से मौसम की जिस प्रकार से विविधता देखने को मिल रही है, क्लाइमेट चेंज की घटनाएँ देखने को मिल रही हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो आज ये निश्चित तौर पर इन चीज़ों के लिए, मतलब कि निश्चित तौर पर ये चीज़ें जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, है ना। आज जिस प्रकार की धुंध की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, वहीं जून जुलाई 19 में आर्कटिक क्षेत्र में जैसे दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में जो आग लगी थी जंगल में, तो जिससे भी काफ़ी, मतलब कि बड़े लेवल पे थी। तो ब्राज़ील में भी बात की तो वहाँ पास उससे ब्राज़ील लगभग लगभग जो तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब किससे प्रभावित हुआ था, है ना। तो इंडोनेशिया में भी जो है तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली थी। तो अब देखते हैं कि जैसे अमेजन, इंडोनेशिया और भारत,
इसमें जिस प्रकार से आग लगने की जो घटनाएं हैं वो तो कॉमन है, ठीक है। इनकी यदि बात करते हैं तो इसके पीछे शुरुआत के कारण तौर पर किसान ही थे। अब ब्राज़ील में यदि बात की जाए तो ब्राज़ील में जहाँ की एक प्रकार से अमेजन जो है तो वर्षा का लगभग 60% एक प्रकार से वर्षा वनों का ये हिस्सा है ना, वहीं जो है तो किसान सोयाबीन की उपज के लिए यहाँ पर ज़मीन चाह रहे थे। वहीं इंडोनेशिया की बात की जाए तो वहाँ पर एक प्रकार से जो पाम ट्री की तो एक प्रकार से वहाँ पर पैदावार के लिए इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में जो है तो आग लगने की घटना किस कारण हुई, जो है धान की पराली को जलाए जाने के लिए। तो एक प्रकार से बात करें तो इनके पीछे एक प्रकार से कृषि के तौर पे भी देख सकते हैं किसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, है ना, इनके तौर तरीकों पे। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जंगल की आग या पराली दहन के लिए प्रति जनता का रिस्पांस इसके लिए भी एक प्रकार से अस्थिर ही है। यदि दिल्ली के संदर्भ में बात की जाए तो लोगों ने तो एक प्रकार से वायु प्रदूषण के खिलाफ तब तब प्रदर्शन किया जब एक प्रकार से उनको समस्याएँ देखने को मिल रही थी, है ना। तो देखते हैं कि जैसे एक प्रकार से वहाँ पर से मतलब थोड़ा सा सुधार हुआ तो लोग फिर से न्यूट्रल हो गए, कोई ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो हम इसमें जब बात करते कि जैसे अमेजन के जंगलों में आग लगी थी तो दुनिया के लगभग बाकी हिस्से के ज़्यादातर लोगों ने इसे दक्षिण अमेरिका की समस्या के तौर पर देखकर इसको सीमित दायरे पर ही सोचा, है ना, जबकि रियलिटी में ऐसा हुआ कि इससे तो पूरा विश्व प्रभावित हो रहा था, है ना, अमेजन के जंगलों पर। चूँकि जो अमेजन है तो हमारी तो धरती का सबसे बड़ा कार्बन शोषक ही है, इसके बिना तो एक प्रकार से मतलब कि हवा में एक प्रकार से सांस लेना ही मुश्किल है ना। CO2 का स्तर यदि ये नहीं होता तो CO2 का स्तर बहुत ही ज़्यादा होता। तो यदि हम इसी उस पर बात करते हैं कि जैसे कि इन मामलों में यदि बात की जाए तो सरकारों का जो रिस्पांस है तो वो भी बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। यदि देखते हैं कि जैसे ब्राज़ील के राष्ट्रपति की बात की जाए जेयर बोल्सोनारो, तो इन्होंने जो अमेजन की आग को एक प्रकार से मतलब कि ज़्यादा हल्के में मतलब कि नॉर्मल ही लिया, ज़्यादा इन्होंने इसको सीरियसली इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं लिया कि पर्यावरण किस प्रकार से नुकसान हो रहा है ना, बल्कि उसके पीछे तो कहीं ना कहीं मतलब कि व्यापारिक दृष्टिकोण भी दिख रहा था इनके व्यवहार को लेकर के। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी कहना था कि आग जो है तो सिर्फ फसलों के अवशेष जलाने की वजह से नहीं लगी थी, जबकि अमेजन की आग को उन्होंने मतलब कि वैसे खरपतवार वगैरह जलाने से इसका परिणाम उन्होंने बोलसोनारो ने बताया था, लेकिन विशेषज्ञों ने इसको बताया कि ऐसा नहीं था, इसकी वजह से आग नहीं लगी थी, बल्कि जंगलों को इसलिए भी आग लगाई गई ताकि वहाँ पास खेती के लिए और ज़मीन ज़्यादा मिल सके, है ना। तो ब्राज़ील के अलावा यदि बात की एक साथ अन्य देशों को एक प्रकार कवर करने वाला समूचा जो वर्षा वन क्षेत्र है लगभग 80,000 से ज़्यादा जो है तो जगहों पर एक प्रकार से आग की जिस प्रकार से घटनाएँ देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार से बात की जाए कि सुमात्रा द्वीप पर भी लगभग 2,000 जगहों पर आग की घटनाएं देखने को मिली हैं ना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सिंगापुर में भी जो है तो इससे प्रभावित सिंगापुर भी है इंडोनेशिया की आग से। तो देखते हैं कि जो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि समस्याएं जो सिर्फ ये घटनाएं जो होती हैं तो सिर्फ उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि जो तो एक प्रकार से पर्यावरणीय समस्या है और ये जो है तो बड़े लेवल पर प्रभावित करती हैं, एक प्रकार से वैश्विक समस्या के तौर पर इसको देखना जाना चाहिए ना। क्योंकि निश्चित तौर पर जो है तो जब आग लगेगी तो जिससे जो प्रदूषण पॉल्यूशन वगैरह होगा तो ऊपर उड़ेगा वायुमंडल में, और वायुमंडल का कोई उसका ऊपर तो कोई लिमिटेशन नहीं होती, तो वहाँ पर तो हवा जिधर फ्लो करेगी तो उधर वो जाएगा ही, है ना, वो तो किसी के नियंत्रण में नहीं है। तो निश्चित तौर पर तो एक प्रकार से सभी को ही प्रभावित करता है। तो इसको जो है तो एक प्रकार से सीमित दायरे में सोचने के बजाय एक प्रकार से बड़े लेवल पे और व्यापक दृष्टिकोण से सोचने की ज़रूरत है इस समस्या के लिए, है ना। नहीं तो इस प्रकार से देखते इसीलिए तो एक प्रकार से देखा जाए ऐसे इस प्रकार की आगजनी की जो घटनाएं जैसे आयल पाम ट्री के जो प्लांटेशन है तो जो जंगल भी साफ किए जा रहे हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं इंडोनेशिया वगैरह में। तो इससे लगभग बात करते हैं कि इंडोनेशिया द्वीपों में लगभग 2001 से लेकर अब तक लगभग 2,60,00,000 हेक्टेयर जो जंगल हैं उनको नष्ट किया जा चुका है ना, इस कृषि के उद्देश्य से पाम ट्री वगैरह के लिए। अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में जैसे उत्तर भारत में जो इस प्रकार की धुंध की घटनाएं देखने को मिलती है तो उसके लिए जो पंजाब हरियाणा और यूपी में एक प्रकार से पराली को जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि बात करते हैं तो यदि हम यहाँ पास देखो तो यहाँ पास भी राज्यों का भी जो एक प्रकार से रवैया है तो वही बहुत लचर देखने को मिला है ना। ऐसी बात करते हैं पंजाब की बात की तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तो उनका उन्होंने तो एक प्रकार से इस दोष को तो केंद्र के मतलब कि उस पर थोप दिया है ना। और साथ ही उन्होंने तो एक प्रकार से राज्यों के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि की डिमांड कर दी है ताकि एक उन्हें जो फसल के अवशेष जलाने के बजाय हाथ या मशीन उपलब्ध करा सके वो, है ना। वहीं बात करते हैं कि जो फसल अवशेषों को यंत्रों के जरिए हटाने और नई फसल की बुआई के लिए सरकार को जो तो बेलर मल्चर या हैप्पी सीडर जैसे यंत्र उपलब्ध कराने चाहिए, ये तो निश्चित तौर पर तभी जो है तो एक तरह से इनके लिए विकल्प नहीं है ना। बात तो ये है कि अब इतने बड़े लेवल पे जो है तो फसल अवशेष होता है ना,
लेकिन अब वो इतने किसान इतने सक्षम नहीं हैं कि वो जो है तो उन फसलों का बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन कर सके। अब उनके लिए वो इतना ज़्यादा मतलब कोई यूजफुल है नहीं, तो उनके लिए जो है तो जल्दी से खेती करना होता है, तो उनके लिए सबसे सस्ता और उपयुक्त तो यही होता है कि उनको जला देते हैं, राख में तब्दील कर देते हैं, जिसका फिर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है दिल्ली में, है ना। तो इसलिए यहाँ पर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से शुरू हो जाती है कि सरकार जो तो जो व्यक्ति अच्छा में तो उसको जो है तो सरकार एक प्रकार से बैकअप सपोर्ट दे, है ना। तो उसके लिए किस प्रकार से बैकअप सपोर्ट दे सकते हैं सरकार, जैसे वो सक्षम नहीं है तो हमें तो पर्यावरण को भी लेकर चलना पड़ेगा ना। तो यदि उनके पास इस प्रकार समस्याएं देखने को मिलती है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है तो इस प्रकार से मशीनी सुविधाएं जो है उनके एक प्रकार से तो ये उनके मुहैया करवाएं, है ना। तो जिससे तभी और साथ ही साथ जो है तो कुछ प्रोत्साहन राशि के तौर पर भी उन्हें रखे ताकि इन चीज़ों के वो इनको एक्सेप्ट करने के लिए तीव्रता के साथ कर से कहते हैं कि मतलब आगे भी बढ़ें, है ना। तब जो है तो इसमें सुधार गुणात्मक सुधार भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस समस्या से निपटने तो एक प्रकार से सब्सिडी और तकनीकों पर आधारित समाधान सफल ज़्यादा मतलब कि ये लंबे समय तक सॉलिड तो नहीं होंगे, लेकिन ये देखते हैं जैसे ये समस्या मुख्यतः जैसे तकनीक की वजह से ही तो उपजी है ना। यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि इनका मतलब कि इस समस्या से निपटने के लिए तकनीक सहायक होगी। अब हम थोड़ा सा इसके दूसरे डायमेंशन पे चलते हैं, है ना, कि यहाँ पर बता रहे हैं कि इनसे निपटने के लिए तकनीक सहायक होगी, लेकिन इनका जो कारक है तो तकनीक ही है। आखिर ये समस्याएं जिस प्रकार से हो रही हैं तो उस तकनीक इसके लिए निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे ये समस्या की बात करें जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर, तो ये कंबाइंड हार्वेस्टर है तो इसके इस्तेमाल की वजह से जो फसलें होती हैं तो उसमें इस प्रकार के अवशेष पराली जैसे मतलब कि वो अवशेष छूट जाते हैं, है ना, जो क्योंकि ये इस प्रकार से कट करती है। इन्हें हाथ से हटाने उखाड़ने में जो है तो श्रम और समय ज़्यादा लगते हैं, है ना। तो इससे जो है तो किसान इसको जलाना ज़्यादा उचित समझते हैं। अब जहाँ जहाँ ये कंबाइंड हार्वेस्टर पहुँच रहे हैं वहाँ वहाँ इस प्रकार के पराली दहन की समस्याएं भी तेज़ी से फैल रही हैं ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये इसके लिए कारक ये जिम्मेदार हो सकता है। वहीं जैसे बात करते हैं कि पंजाब जैसे राज्य में जो धान की बुआई और कटाई का समय है तो लगभग 2 माह तक ही जो तो मतलब कि आगे बढ़ाने की भी बातें चल रही हैं प्रदूषण के लिहाज से बात की जाए तो, है ना। तो अब ये बात करते हैं कि बुआई और कटाई पहले हो जाती तो वहाँ एक प्रकार से हवा की दिशा कुछ इस तरह की होती जिससे पराली का धुआं दिल्ली NCR को प्रभावित नहीं करता गया, है ना। इस प्रकार की ऐसी बातें मतलब कि चल रही हैं। तो इस प्रकार की बातें ये भी हैं कि देरी से बुआई के जो इस प्रकार के जो फैसले ले जा रहे हैं, है ना, कि 2 माह बाद मतलब कि इस प्रकार मतलब धान की बुआई और कटाई होगी, तो ये जो फैसला है कहीं बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के प्रभाव में तो आकर के नहीं हो रहा है ना, कि वो चाहते जैसे किसान देर से पकने वाली उनकी किस्मों का इस्तेमाल करें ताकि। तो यदि बुआई पहले की तरह अप्रैल मई में ही हो जाए तो प्रदूषण की वैसे समस्या नहीं होगी, है। हालांकि ये समस्या का एक प्रकार से ज़्यादा सॉलिड समाधान इसको नहीं माना जा सकता है क्योंकि इससे तो जो पराली जलाने की घटना है वो तो होती ही रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा सुधार तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अवशेष तो होंगे ही, चाहे 2 महीने पहले हों या 2 महीने बाद हों, तो उसका तो निपटारा मेन सॉलिड होना चाहिए। तो निपटारा तो आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ डेट को इधर उधर एक्सटेंड कर रहे हो टाइमिंग को, तो उससे ज़्यादा कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, है ना। साथ ही साथ लोगों की जो मेंटेलिटी उसमें भी ज़्यादा बदलाव और समस्या के प्रति व्यापक जागरूकता, बगैर स्थायी समाधान मिलना तो ये चीज़ बिल्कुल ही मुश्किल है कि इसका समाधान स्थायी तौर पर निकाला जा सकता है ना। आज तो ज़मीन जिस प्रकार से एसेट्स एक प्रकार से कमोडिटी बन गई है जिसे कि एक प्रकार से खरीदा और बेचा जाता है, व्यापार का इसको एक बेहतर माध्यम बना लिया गया है ना। वहीं बात करते हैं किसानों को भी अभी इससे ज़्यादा मतलब कि मोह या जुड़ाव नहीं देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से पहले ज़मीन को लेकर के देखा जाता था। तो एक प्रकार से अब जहाँ संकीर्ण स्वार्थ के लिहाज से बात किया है तो जैसे उसका एक नज़रिया हमारी सरकारों की वजह से ही ये जो तो इस प्रकार की मेंटेलिटी बनी है, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें भी जिम्मेदार हैं जो कि कृषि में एक प्रकार से पूंजीवादी सिद्धांतों को ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं, है ना। आर्थिक और राजनीतिक हितों की खातिर जैसे ऐसी नीतियाँ बनाई जाती हैं लेकिन इनसे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है इन चीज़ों से। तो नतीजा ये भी है कि जैसे विभिन्न देशों उनके किसान हैं तो हमारी इस एक प्रकार से बात करते हैं कि यहाँ के संरक्षक होने के बजाय जो है तो इसके शोषक की तरह बर्ताव करने लगते हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो किसान की समस्याएं हैं तो ज़्यादा मतलब कि कोई सॉलिड मतलब कि उसका कोई वो नहीं देखने को मिल रहा है ना। तो इस दिशा में मतलब कि कुछ सरकार को स्थायी कदम उठाने चाहिए, साथ ही साथ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि जो तो न केवल प्रदूषण पर ही नियंत्रण हो बल्कि साथ ही साथ जो तो इससे किसानों को भी मतलब कि एक बेहतर आय के साधन उपलब्ध हो सके, है ना। और साथ ही साथ 2022 तक जो किसानों की आय को दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य है तो अब इसको भी एक प्रकार से सही ढंग से लक्ष्य को सरकार हासिल कर सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।